मैडम जी, हाँ क्या हुआ? हम तो जा रहे हैं घर को अपने को। कि तुझे तुझे क्या हो गया? जो तुम्हारी चाची सास है ना, हा, वो हा, हा? इतनी परेशान कर दी, मैं इतनी परेशान कर दी कि आज तक तो तुमने हमते भी नहीं कही, कुछ भी नहीं कही। अरे यहाँ पे झाड़ू नहीं लगी, यहाँ पे डस्टिंग नहीं हुई, ऐसी झाड़ू लगाती है, ऐसे खड़े होकर झाड़ू लगाती है, क्या तेरी कमर टूट गई है, ये हम काम नहीं करेंगे यहाँ पे। अब ऐसा क्या कह दिया? अरे बड़ी बूढ़ी है, कोई बात ना, चल एक काम कर। ऐसे बड़ी बूढ़ी की तरह कभी अपने है ना सुनी होगी? बड़ी बूढ़ी तुझे पता ना मुझे कितनी परेशान कर रही है, मैं भी झेल रही हूँ ना। नहीं फिर क्या, तो उन्होंने कर देना कि हमें छुट्टी दे, हम चले जाएंगे। सुन, ऐसा निकाल नहीं सकती, पागल है वो मेरी सास है। ऐसा मैं गांव में बात करके देखती हूँ, अभी अगर बच्चे वहाँ वो होंगे ना फ्री तो कोई लिवा जाएगा। ऐसा नहीं कहते कि भेज दो, भगा दो। हाँ ठीक, ठीक है, अभी रुक जा, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, हे भगवान, मेरे लिए तो ये काम वाली जरूरी है, क्योंकि अगर ये छोड़ के चली गई ना तो मेरा तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि चाची तो एक ना दिन में दो दिन में चली जाएंगी, और ये चली गई तो मुझे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। दिन भर मेरा बाहर भीतर का काम है, मैं कैसे करूँगी इसके बिना। चलो भाई एक बार कॉल करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ सौरभ, अच्छा नमस्ते नमस्ते, और सब बढ़िया गाँव में? ठीक है। अच्छा सौरभ, मैं ये कह रही कि चाची का मन ना लग रहा, मना कर रही है, करी मन सा ना लग रहा मेरा, यहाँ घुटन सी हो गए तो चाची आने की कह रही है। परसों कब आ रहे हो? अच्छा दो दिन अभी टाइम ना है। अरे भैया एक बात बताओ सौरभ, मैं सच में कहनी तो एक बात चाह रही हूँ कि तुम्हें ना कैसे कैसे झेल रहे हो, इतना परेशान कर रही है, इतना परेशान कर रही है कि अगर चाची रुकी ना एक दो दिन तो मेरे तो काम वाली भग जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो रहती ना हूँ। सही है सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, भगवान जी सुन ली मेरी, आ रहे हैं परसों, चली जाऊंगी, मैं भी खुद परेशान हूँ इनसे, काम वाली क्या, मैं तो खुद परेशान हूँ, मुझे ना निकलने देरी कहीं, तेरे क्या कर लिया, तेरे क्या कर लिया, पूरे दिन तू कहाँ भगी डोल है। चलो रेस्ट मिलेगा दो दिन बाद। अब एक काम कर दो, दो दिन की बात और है तो दो दिन और झेले चाची को, अगर कुछ कह भी रही है तो सोच लिए कि मतलब मेरी माँ है, बड़ी बूढ़ी है, कोई बात ना कह दी, तो पर दो दिन और झेल ले, जल्दी से नहीं बुलाऊंगी। ठीक है, पर दो दिन की बात है, मैंने इनके बेटे से बात कर ली, दो दिन बाद आ रहे हैं। कहाँ चल रही है, कहाँ कह रही है, कुछ शिकायत कर रही है मेरी? ना ना चाची, शिकायत ना कर, मैंने इसे बुलाई है, डांटी है बहुत। फिर क्यों कह रही है फिर तेरे पास बैठ कर? चाची मैं इसे डांट रही हूँ, मैं कह रही हूँ हमारी चाची है, हमारे घर की बड़ी है, जो वो कहेंगी वही होएगा। ठीक, हाँ मैंने डांट लगाई है इसमें। ठीक, मैंने कहा ऐसा तू रहती हो रह, ना रहती हो मत रह, चली जा, काम छोड़, तेरी काम वाली सही गई, मैं कोई और रख लूंगी, पर तो हमारी चाची से टेढ़ी नहीं बोलेगी। सही गई, खैर हाँ, बदतमीज बहुत हो रही है, बहुत निकाल देगी चाची, मैं दो तीन दिन की बात है निकाल रही हूँ, मैं देख रही हूँ अभी ने। हाँ तुम्हारा मन ना लग रहा दिखे चाची, मुझे ऐसा लगा मेरा मन तो लग रहा, मैं तो नौकरी में की और रह जाऊं, मैं चार छह दिन दस पांच दिन और रह जाऊं। अच्छा चाची, वो लड़का बड़ा याद करे, फोन आया सुबह? आयो तो पे? हाँ, तो यूं कह रहा का अम्मा कब आंगी, अम्मा कब आंगी? ना मैं ना जानी, ना जानी हाँ? अच्छा चाची, भागवत हो रही है मंदिर में, तो भागवत देखे सुनिया करो एक आध घंटा? अच्छा मन लगे, बड़े बूढ़े का तो देखो ऐसे ही है मन, चले ऐसे कर ले करूँ, देखे भागवत सुनिया करो, सुनिया करो। हाँ अच्छी बात सिखा मैं, अच्छी बड़ी बात, वहाँ अब तुम सुन का आओगी तो फिर तुम हमें बताओगी चार अच्छी बात। हाँ हाँ हाँ, कहाँ बाहर बैठ ले कमरे में? बाहर क्यों बैठेंगे, मैं गोभी फोभी लगा गई ना पहले, तो उन्हें देख के आएंगे, कल दिखा के लियो, देखोगे? हाँ देखोगे, आज कितनी बड़ी है, कहीं तोड़ने लाग हुई या ना हुई। अच्छा जो होंगी तो तोड़ के लाएंगे। हे मेरे भगवान, ये तो गोभी तोड़ने की कह रही है, मैंने तो सरोज भेज दी गोभी लेने के लिए, मैंने तो अपने घर को गोभी ले जा तोड़ के। हाँ? ना चाची मैं कहीं गोभी दिखा के लाऊं? हाँ दिखा, चलो पीछे लग गई, दिखा के ला। वैसे क्या करोगी, ठंड पड़ रही है बहुत, चाची वहाँ बैठेंगे आराम से, देख के दिखा ला। सारे दिन यही बैठी रहे अपने खेत में, देख है डोले का। चाची ऐसी ठंड में क्या करो, चैन लेती तुम भी, बैठती अपने आराम से ना, तू ऐसे कर जा कैसे, आ जाओ।